हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे नया और पहला व्लॉग में। और हम लोग राजगीर गए हुए थे एक सप्ताह पहले, तो वहीं के कुछ वीडियोज और फोटोज हैं। तो हम लोग का ट्रेन पन्ना जंक्शन से करीब 3:30 बजे था सुबह में, और 6 बजे तक राजगीर पहुंच गए हम लोग। और बहुत ज़्यादा ठंड था सुबह में। ये हम लोग ब्रह्मकुंड जा रहे हैं, जो राजगीर से 1 किलोमीटर, राजगीर जो स्टेशन है वहाँ से 1 किलोमीटर पर ही है। आप सुबह में पैदल भी आ सकते हैं मॉर्निंग वॉक। ये ब्रह्मकुंड का मंदिर जहाँ हम लोग सेल्फी ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी सेल्फी ले रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे कैमरा ऑन, मतलब कैमरा की जगह वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। तो सही है, ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया। फिर हम ब्रह्मकुंड में नहाने गए। लाइक सुबह में तो बहुत ज़्यादा ठंड था, तो मैं सोचा था कि मैं नहीं नहाऊँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया नहाने में। लाइक हम दो दो बार नहाए। वो पानी इसमें का बहुत गर्म रहता है, वो पहाड़ से पानी आता है इस टाइप का कुछ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप आए तो ज़रूर नहाए। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ फ़ोटो लेने के बाद सोन भंडार के लिए निकल गए। ये देखिए जो पहाड़ है ना, वहीं सोन भंडार है, उसमें एक कोई गुफा है। तो अभी तो ये बंद था, तो हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया गया। ये सोन भंडार के पास कहाँ ही है, यहाँ पे जो इतना भीड़ लगा हुआ है, ये टिकट लोग कटवा रहे हैं ग्लास ब्रिज के लिए। ग्लास ब्रिज और उधर और भी बहुत जगह है घूमने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बड़ा भीड़, लंबा लाइन था, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन था। तो इसलिए हम लोग सोचे कि ग्लास ब्रिज को छोड़ते हैं, और हम लोग शांति स्तूप और घोड़ा कटोरा देखने के लिए यहाँ से निकल गए। और यहाँ से जाने के लिए हम लोग टांगा का यूज किए। लाइक ऑटो से उतना मज़ा नहीं आता है। आप भी आए राजगीर तो टांगा से ही घूमें, टांगा ज़्यादा मज़ा आता है। ये आपको 150 में आपको हर जगह घुमा देगा, जहाँ तहाँ तक आप बोलिएगा। 2 बजे तक, मतलब कि आपके साथ रहेगा सुबह से 2 बजे तक, दोपहर में हर, मतलब हर आदमी का 150 रुपये लेगा। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह था, ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये भी कोई जगह था, कोई गार्डन है पता नहीं, मैं ध्यान से मतलब पढ़ा नहीं। वो टांगे वाला था, उसको सब कुछ पता था। वो हम लोग को बता रहा था कि ये कौन सा जगह है, मतलब यहाँ पे क्या क्या हुआ है, इसका हिस्ट्री। यहाँ पे ये हम लोग का घोड़ा जो काफी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। और फिर हम लोग थोड़ा देर में पहुंच गए शांति स्तूप। ये शांति स्तूप हल्का पहाड़ के ऊपर है, तो हम लोग वहाँ जाने के लिए लक्ष्मण झूला का यूज कर रहे हैं, जो आपको 80 रुपीज़ पर टिकट पड़ेगा। आप ऊपर जाइए और फिर वापस ऊपर से आ जाइए। तो हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला में। और थोड़ा संभल के, आप अगर आप सेल्फी वीडियो बना रहे हैं, अभी फ़ोटो ले रहे हैं, तो हल्का संभल के लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे खतरा रहता है। और मैं पूरा एक्साइटेड यहाँ पे। पता नहीं मैं क्या क्या कुछ भी बोलने जा रहा हूँ। नीचे मतलब कि मेरे कजन्स हैं, और ऊपर भी एक है जो हम मेरे से पहले जा रहा है ऊपर। हम लोग सुबह यहाँ पहुँच गए थे, बहुत तो वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो टिकट बहुत आराम से मिल गया, नहीं तो आपको यहाँ पे लाइन लगना पड़ सकता है, वो भी लंबा लाइन लगना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत तो ऊंचाई है ही, मतलब डर तो लगता है। 6 मिनट आपको लगेगा यहाँ से ऊपर जाने में, फिर ऊपर से नीचे आने में। हम लोग कैलकुलेट किए थे तो 6 साढ़े 6 मिनट इसी के करीब लगा था। और यहाँ से आपको पूरा राजगीर दिखेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। मेरे को डर लग रहा था कि ये सेल्फी स्टिक ना टूट जाए, क्योंकि ये मैंने स्टेशन से लिया था 50 रुपये में बस। और अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो सन ग्लासेस जरूर लें, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा धूप था इस टाइम हम लोग गए थे। तो कोई फ़ोटो लेता था तो आप समझ सकते धूप में कैसा अजीब टाइप का चेहरे का एक्सप्रेशन हो जाता है। तो फिर भी सही है, बहुत मज़ा आया। देखिए नीचे बढ़िया दिख रहा है पूरा। और ये है शांति स्तूप, जो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। यहाँ पर हम लोग एक ग्रुप सेल्फी लिए,
और हम लोग के स्वागत में देखिए कौन है यहाँ पे। इनका पूरा झुंड है, इनसे बिल्कुल भी मजाक ना करें। आप इनके साथ सेल्फी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे लंगूर हैं यहाँ के। और बंदर भी है, एक बंदर तो मेरे बैग से वो लेके जा रहा था, वाटर बॉटल लेके ही निकल गया था, वो भी चैन खोल के निकाल लिया था, इतने चालू बंदर हैं यहाँ के। इधर हाँ इधर ये कोई घंटी है बहुत बड़ा, और यहाँ से ये, और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं अचानक से गया और पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे दो तीन स्टेप करना शुरू कर दिया, अजीब टाइप का। फिर यहाँ से हम लोग घोड़ा कटोरा के लिए निकले, और वो भी पैदल, मतलब हालत ख़राब हो गया। 7.5 किलोमीटर दूर था घोड़ा कटोरा वहाँ से। हम लोग को ऑटो ले लेना चाहिए था जो 100 रुपीज़ में आपको वहाँ पे पहुँचा देता, और फिर वहाँ से घूमने के बाद वहाँ से वापस भी ले आता। हम लोग को पता नहीं क्या ही हुआ था कि ट्रैकिंग हम लोग को करना है और 7.5 किलोमीटर गए, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। जंगल के बीचों से हम लोग गए थे, ये वहाँ का तालाब है घोड़ा कटोरा का, तीनों तरफ से पहाड़ हैं और बीच में ये तालाब है जहाँ पे बोटिंग होता है, और बीच में एक गौतम बुद्ध का मूर्ति है तालाब में। ये कोई गार्डन है वहीं घोड़ा का थोड़ा कहीं, पता नहीं हम लोग यहाँ पे गए नहीं थे, शाम हो गया था तब तक। ये देखिए यही है घोड़ा का थोड़ा का व्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है। आप घूमने आए तो यहाँ ज़रूर आए, लेकिन ऑटो से आए, पैदल कभी भी ना आए। यहाँ पे सेल्फी हम लोग ले रहे हैं, ये है यही यही वाला मूर्ति है। और फिर हम लोग जापानी मंदिर गए घूमने, ये जापानी मंदिर के ही मूर्ति का फोटो है। यहाँ पे गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो काफ़ी भव्य तरीक़ा से रखा गया है, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर इसके बाद तो हम लोग चले गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम लोग को वापस आना भी था शाम को। तो फिर यही है बस आज के लिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे हम और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे, लाइक बहुत जगह हमें घूमना है, हम घूमेंगे तो डेफिनेटली उसको उसका ब्लॉग बनाएंगे तो उसे अपलोड करेंगे। तब तक आप हमारे बोटिंग को इन्जॉय कीजिए घोड़ा कटोरा में।